सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। फोर्ड ने नई कॉम्पैक्ट एसयूवी टेरिटरी से पर्दा उठाया है। इसे खास तौर पर चीन के लिए तैयार किया गया है। चीन में यह 2019 में लॉन्च होगी। फोर्ड कारों की रेंज में इसे इको स्पोर्ट के ऊपर पोजीशन किया जाएगा। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा से होगा। टेरिटरी एसयूवी को कंपनी ने जेम कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर तैयार किया है। के अनुसार फोर्ड टेरिटरी में आगे की तरफ क्रोम वाली ग्रिल दी गई है। इसके दोनों ओर हॉरिजॉन्टल हेडलैम्प्स दिए गए हैं। साइड वाले हिस्से में ध्यान दें तो यहां चौड़े व्हील आर्च और शार्प कर्व लाइनें दी गई हैं। इसके केबिन को भी प्रीमियम बनाया गया है। इसके सेंटर कंसोल पर बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन के नीचे की तरफ मस्टैंग जैसे टॉगल स्विच कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी DAT, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और प्री कोलिसन असिस्ट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि इसे युवा ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कंपनी ने इसे आक्रामक कीमत पर पेश करने की योजना बनाई है। चीन में यह 3 इंजन पेट्रोल 48 वॉट माइल्ड हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड में मिलेगी। पेट्रोल और माइल्ड हाइब्रिड वर्जन में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसकी पावर 163 PS और टॉर्क 250 Nm होगा। इंजन स्पीड AMT गियरबॉक्स से जुड़ा होगा। टेरिटरी को खास तौर पर चीन के लिए तैयार किया गया है, इसलिए इसे भारत में उतारने की उम्मीद नहीं है। भारत में फोर्ड और महिंद्रा मिलकर जल्द ही एक नई SUV लाने वाली है। इसका मुकाबला भी हुंडई क्रेटा और जीप कंपास से होगा। अब देखने वाली बात यह है कि कंपनी इसे किस नाम से उतारती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी पसंद की कार कौन सी है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, तो जल्दी से लाइक के काले से बटन को नीला कर दो। धन्यवाद।